जनपद पौड़ी में जल संस्थान विभाग को श्रीनगर पेयजल योजना और नानघाट पेयजल योजना से मिल रहे पानी को स्टोर कर पाना अब चुनौती पेश करने लगा है। बता दें कि पानी को स्टोर करने के लिए बनाए गए पेयजल टैंक पानी से ओवरफ्लो हो रहे हैं, तो ऐसे में जल संस्थान अब सर्दी मौसम में सुबह 4 बजे से ही पेयजल कनेक्शन के जरिए पानी की सप्लाई अपने उपभोक्ताओं को करवा रहा है। लेकिन इतनी सुबह सर्द मौसम में पानी भरना पेयजल उपभोक्ताओं की समस्या को बढ़ा रहा है। तो वहीं पेयजल उपभोक्ताओं ने जल संस्थान से मांग की है कि पूर्व की तरह सुबह 7 बजे से 8 बजे तक जल संस्थान पेयजल सप्लाई करवाई जाए, जिससे उन्हें दिक्कत ना हो। वहीं जल संस्थान के अधिशासी अभियंता ने बताया कि जल्द ही 250 KL का टैंक बनाया जाएगा, जिससे ओवरफ्लो हो रहे पानी को स्टोर किया जा सके। इसी के साथ ही उपभोक्ताओं की मांग पर भी विचार किया जाएगा। पौड़ी से संवाददाता मुकेश पछेती की रिपोर्ट। आजकल जो सर्दियों में जल संस्थान जो है सुबह 4 बजे जो है पानी छोड़ देता है, और हम लोगों को जो है 4 बजे जो है बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और इस कड़ाके की ठंड में जो है पानी भरने में जो बड़ी दिक्कतबाजी होती है। और अभी हमारे पास पर्याप्त पानी उपलब्ध हो रहा है नानघाट पेयजल योजना से भी और श्रीनगर से भी, तो वो जो 4 बजे पानी जा रहा है, वो टैंक जब ओवरफ्लो करने लगता है तो वो पानी जाता है और वो हमारे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन की लाइनें हैं उसको चार्ज करने के लिए वो लोगों के घरों में भी जाता है। वो और कुछ जगह है इस तरह की समस्या जो सवेरे 4 बजे ही पानी खोल करके फिर हम लोग अलग अलग मोहल्लों में अलग अलग टैंक का पानी देते हैं, लेकिन वहाँ पे भी अगर कहीं ऐसी कोई समस्या आती है कि 4 बजे किसी को दिक्कत हो रहा है तो उस टाइमिंग हम लोग चेंज करेंगे।